वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और दिवाली की बहुत सारी तैयारियां चल रही होंगी। मैं यहाँ पे एक लोकल एग्जीबिशन में आ गई थी और इस बार जैसे हम दिवाली में हर बार करते हैं कि एक दूसरे को अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देते हैं, तो इस बार का मेरा प्लान है कि मैं ना लोकल वेंडर से ही कुछ लेकर दूंगी, क्योंकि हम सबको पता है कि मॉल्स में और शॉप्स में ये सारी चीज़ें उतने ही रेट में हमें मिल जाती हैं, लेकिन लोकल वेंडर से कुछ चीज़ें लेने का ना एक अलग ही सुकून मिलता है कि चलो उनके लिए भी हमने कुछ किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो यहाँ का कलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो ये था, दियो का कलेक्शन। इतने अलग अलग शेप में, साइज में, कलर्स में, जैसे ये लोटस वाला देखिए दिया, ये सारे दिया एंड कैंडल होल्डर्स यहाँ पे थे कि आप किसी भी ओकेशन में, दिवाली हो या नॉर्मली पूरे साल में, इनको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं अपने घर में, एंड गिफ्ट देने के लिए तो बेस्ट आइटम लग रहा था मुझे ये। उसके साथ ही ये कुछ डिफरेंस था नया, मुझे कप एंड सॉसर देखने को मिला। इतना यूनिक एंड इतना क्यूट लग रहा था ये पूरा कप एंड सॉसर का सेट, और रेंज भी बहुत सिंपल ही था, अराउंड 200 से लेकर 400 के बीच में ये सारे कप एंड सॉसर्स के थे। सारे आइसक्रीम कलर्स में इतने क्यूट लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, और इतनी ज्यादा यहाँ पे वैरायटी थी कि आपके सॉसर्स आप देखोगे तो उन्हें एज अ कोस्टर भी आप यूज कर सकते हैं। ये ऐसे ही जस्ट रखने के लिए भी बहुत प्यारे थे। ये जैसे वॉल हैंगिंग प्लेट्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी किसी को गिफ्ट करने के लिए। इसके अलावा ये था जो मेन अट्रैक्शन था इस पूरे एग्जीबिशन का, सेरेमिक्स में इतनी वैरायटी और इतनी डिटेलिंग मैंने बहुत कम ही देखा है, एंड ये कुछ यूनिक सा पीस लगा मुझे, बहुत अच्छा कलेक्शन लगा। ये कलेक्शन स्पेशली उन्होंने दिवाली के लिए, जिसे उन्होंने ओशन कलेक्शन बोला, ये बनाया गया है और मंगवाया गया है। आपको ओशन थीम इसमें पूरे अच्छे से हर चीजों में दिखेगा, कलर से लेके शेप एंड एवरीथिंग उन्होंने उसी पे किया है, और ये सारा हैंडवर्क है। यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी थी प्लैटर्स के, बॉल्स के, ये देखिए सारे कलर्स जो हैं पूरा ओशन थीम पे था, स्टार फिश या फिर कोरल्स के ऊपर उन्होंने उसी से इंस्पायर होके ये सारा बनाया था, और मुझे बहुत ही यूनिक लगा, बहुत डिफरेंट लगा। हर बार जो हम देखते हैं सेरेमिक में उससे तो बहुत ही अलग लगा है। अच्छा जी, इनका रेंज भी ना 400 से स्टार्टिंग था और 800-900 तक का था, डिपेंड करता था कि किस साइज का और क्या चीज ले रहे हैं। ये कुछ एक बॉल्स इतने अच्छे लग रहे थे मुझे, या तो आप इन्हें डेकोरेट करने के लिए यूज कीजिए, या ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मार्बल की कार्विंग कर रखी है, बट ये सब सिरेमिक है, और इतनी अच्छी फिनिशिंग, इतनी अच्छी कलेक्शन मैंने पहले कभी कहीं नहीं देखा। ये डेनिम थीम में यहाँ पे इस तरफ बाउल्स रखे हुए थे, और ये देखने में सच में वही लग रहे थे। कलर भी देखिए, इनकी फिनिशिंग और इनका जो साइज है, एज अ डेकोरेशन भी ये बहुत अच्छे पीस लग रहे हैं मुझे। सेरेमिक्स ना मुझे इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये अफोर्डेबल ही नहीं होते, बल्कि ये माइक्रोवेव सेफ भी होते हैं, एंड डिश वॉशर में भी बहुत आराम से ये यूज हो जाते हैं, और अगर हाथ से भी हम रख रहे हैं तो ये इजी टू मेंटेन होते हैं, बहुत हल्का से हाथ से ही ये मेंटेन हो जाते हैं अगर एज अ कुकवेयर हम इन्हें यूज कर रहे हैं। इस तरफ बहुत अच्छे लैम्प्स एंड डिफ्यूजर्स, ऑयल डिफ्यूजर्स कह लीजिए, वो भी बहुत अच्छे डिजाइन्स के आए हुए थे। ये शंख वाला तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। इनका रेंज भी 250 से स्टार्ट होके 450 तक था। वुडन कलेक्शन किसको नहीं पसंद है, ये एक चीज है जो ना घर को एक नया डायमेंशन दे देता है। आप एक भी वुड का आइटम घर में किसी कॉर्नर में या फिर किचन में यूज कर रहे हो या सजाने में लगा रहे हो, एकदम नया सा लुक आ जाता है और बहुत अर्दी एंड बहुत ही क्लीन लुक देता है। मैं ज्यादातर किचन के सामान ही वुडन में पसंद करती हूँ, एंड यहाँ देखिए ये कितना क्यूट लग रहा है, ये पूरा सेट टी कॉफी एंड शुगर का बहुत ही क्यूट एंड अलग सा दिख रहा था, बिल्कुल रॉ वुड फिनिश में। और साथ ही साथ ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ट्रे में ये सारे सॉस या डिप रखने का पूरा एक अपने आप में एक सेट था, जो बहुत क्यूट भी लग रहा था एंड काफी अच्छा सा शाइन था इसके वुड में। ये
यहाँ पे ये डिफरेंट साइज के ना इस तरह के बोल्स मिल रहे थे विद उनके कैप के, जो बहुत ही अच्छे और मुझे बहुत यूनिक लगे, क्योंकि इनको अगर आप ड्राई फ्रूट्स रख के या किसी तरह का स्नैक्स रख के अगर आप रखना चाहें अपने सेंटर टेबल डाइनिंग टेबल पे तो बहुत अच्छा ऑप्शन था। इसके अलावा ये देखिए इतना क्यूट चेस्टर लुक का था पूरा किचन में रखने के लिए, ये तो इसे मसालदानी या फिर ज्वेलरी बॉक्स कह रहे हैं, बट आप किसी भी तरह की क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं इन चीजों को यूज करने के लिए। यहाँ अगर आप फर्नीचर में कुछ एडिशन करना चाहते हैं, वो भी वुडन कुछ करना चाहते हैं, उस सेक्शन में मैं आ गई थी और बहुत अच्छे कार्विंग के, पूरे कश्मीरी कार्विंग के यहाँ पे पैक टेबल्स, इजी चेयर्स और बहुत सारा सामान यहाँ पे था। इसके अलावा ये कुछ अगेन जैसे मैंने आपसे शेयर किया, यू नो, ड्राई फ्रूट्स के लिए या स्नैक्स के लिए टेबल पे रखने का बहुत ही प्यारा एक सेट था, जिसमें साइड में इवन स्पून रखने का भी था। और ये तो मेरे फेवरेट हैं ही, मसालदानी या फिर इनके यू नो वुड के बने हुए जो कैसरोल्स होते हैं वो मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये एक पीस जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये मसाले का था, मसालदानी थी जो बहुत अच्छी शाइन थी उसमें और बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा था। इस तरह का कैसरोल मेरे पास ऑलरेडी है, हर तरह के कार्विंग वाले या प्लेन या उसमें कुछ भी काम करने वाले यहाँ पे कैसरोल्स और इस तरह के डेकोरेटिव आइटम यहाँ पे मिले हैं, और वुडन के रेट के हिसाब से यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी मिल रही थी, छोटे से लेकर बड़ी अलग अलग रेट में अलग अलग रेंज में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ज्वेलरी बॉक्स मिल जाएंगी यहाँ पे। और ये झरोखे मुझे इतने क्यूट लगे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये झरोखा ही नहीं की होल्डर्स हैं, एंड एक्चुअली में ये इतने क्यूट और इतने प्यारे लग रहे थे कि मेन डोर के पास ये लगे हुए पूरे झरोखे वाला लुक दे रहा था। मसालदानी के कुछ और वेराइटीज यहाँ पे मिली है, इन्हीं चीजों को अगर हम ऑनलाइन लेने जाते हैं ना तो वो बहुत अच्छे खासे रेट्स उनके बढ़ जाते हैं, लेकिन इन्हीं लोकल वेंडर्स से जब हम इन चीजों को लेते हैं तो एक दिल को सुकून मिलता है कि हमने उनके लिए भी कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर ही दिया है। मसालदानी के यहाँ पे हर साइज में डिफरेंट डिफरेंट साइज में डिफरेंट डिफरेंट शेप में यू नो पूरे वेराइटी यहाँ रखी हुई थी। और ये पैक टेबल्स देखिए इतने आई कैचिंग लग रहे थे, ये एक्चुअली में पैक टेबल्स या फिर प्लांटर्स को हाइट बढ़ाने का आप उस तरह भी यूज कर सकते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत गोल्डन वर्क भी था। यहाँ पे मैं कुछ लोकल आर्टिस्ट उसके स्टॉल पे आई थी, ये पूरा हैंडवर्क है मधुबनी का, बहुत अच्छा पेंटिंग कलेक्शन यहाँ पे रखा हुआ था विथ फ्रेम या विदाउट फ्रेम, एंड ये सारे ओरिजिनल मधुबनी है जो लोकल यू नो जहाँ पे होता है वहाँ का कलेक्शन है लेकर आए हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से मिक्स एंड मैच करके भी कर सकते हैं या फिर एक ले सकते हैं। यूजुअली हम दिवाली में जब लोगों को गिफ्ट करते हैं तो हम कलरफुल चीज़ें भी देखना पसंद करते हैं, देना पसंद करते हैं। मधुबनी अपने आप में एक क्लासिक चीज़ है और इंडियन यू नो हेरिटेज का एक पहचान है, काफ़ी नोन पेंटिंग मानी जाती है। रेंज वाइज भी ये बिल्कुल ठीक था, 300 से स्टार्टिंग थी और जितना बड़ा साइज उसके हिसाब से उसके ऊपर वो बढ़ रहा था। मेटल फिगर्स और इस तरह के मेटल की चीजें भी बहुत अच्छी लगती हैं जब हम घर को डेकोरेट करने के लिए आते हैं। ओरिजिनल ब्रास की चीजें लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है और उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। सो इस तरह के एंटीक ब्रास पेंटेड चीजें जो है ना बहुत इजी टू मेंटेन होती हैं, हल्की होती हैं और इनको डेकोरेट करना इनसे बहुत अच्छा लगता है। ये इवन गिफ्टिंग के लिए भी बहुत इकोनॉमिकल पड़ जाता है। अगर अपने घर को भी एक नया लुक देना है, कुछ नया लेना है, वॉल डेकोर से लेकर हैंगिंग हर तरह की चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही थी। कलेक्शन बहुत ही अच्छा आया हुआ है यहाँ पे। दिवाली फेस्टिवल में रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को गिफ्ट करते समय ना मुझे अक्सर कंफ्यूजन होता है कि क्या लूं, कहां से लूं, क्योंकि मॉल्स में या शॉप्स में जब जाते हैं वो एक पर्टिकुलर चीज ही दिखा पाते हैं जो उनका कलेक्शन होता है, लेकिन इस तरह के एग्जीबिशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि अंडर वन रूफ आपको इतनी वैरायटी यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको मेटल से लेकर सेरेमिक पेंटिंग हर चीज आपको दिखाई है, वुडन, तो आपके पास ये सारे सिलेक्शन के लिए ना चॉइस हो जाते हैं।
अपने बजट एंड लाइकिंग के हिसाब से आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस स्टॉल में जयपुर का सारा कलेक्शन यहाँ पे आया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा था, कलरफुल एकदम। इतना ज्यादा यहाँ पे वैरायटी थी कि ये सिलेक्ट करना कि आपको क्या चाहिए, यू नो, मॉडर्न चीजों से लेकर एकदम ट्रेडिशनल चीजें भी आपको यहाँ पे मिल रही हैं और हर तरह के रेंज में है। 150 से स्टार्ट होके आप 5-6,000 तक का भी सामान यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। एंड सामान सच में काफी यूनिक एंड डिफरेंट है, जो हमें ना बिल्कुल इस तरह के गिफ्ट आइटम्स वाले शॉप में ही मिलते हैं। सो आप मुझे फिक्स प्राइस बता रहे हो कि इस पे कुछ नेगोशिएट हो सकता है? यहाँ आउल्स को भी उन्होंने बुरा ना बोल, बुरा ना देख, बुरा ना सुन इस तरह के बना दिए हैं, तो मुझे तो बहुत क्यूट लग रहे थे। और भैया जी कह रहे थे कि यू नो कि हर बार उन्हें कुछ नया लेकर ही आना पड़ता है, अदरवाइज कुछ नया नहीं हर साल लेकर आएंगे तो लोग लेते नहीं है। ये हैंगिंग वाले कैसे करके हैं? ये 500 का सेट है। सेट मतलब 4 पीस है। ओके, मतलब इतना सारा सामान यहाँ पे और इतना अच्छा सामान है ना कि सिर्फ दिवाली के शॉपिंग के लिए ही इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कभी भी किसी को भी किसी समय भी आप गिफ्ट करना चाहते हैं या अपने घर पे कुछ नया लुक देना चाहते हैं तो आप यहाँ को विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ आफ्टर दिवाली। आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।